उसका भाई है और उसका प्रेमी है, उसका मित्र है, और वो पास नहीं एक विटप, एक तरु कि टहनी टहनी को टटोल रहा है, पत्ते पत्ते पर झूम रहा है, और झूले में जैसे झूल रहा है वैसे टहनी पर झूल रहा है, और उस पर लगे हुए फलों को चौंच मार मार करके स्वादिष्ट खा रहा है, बिना प्रदूषित हुए उस फल को, लगे हुए फल को वहीं से तुरंत इससे बढ़ करके और फ्रेश क्या हो सकता है, उसको खा रहा है, नोच रहा है। बताइए इन दोनों में सुखी कौन है? वो तोते के मुंह से ही सुना देता हूं आपको कि सोने के पिंजरे में भी अगर, सोने के पिंजरे में भी अगर करना पड़े स्वर्ग में वास, पिंजरा सोने का है, चांदी का बर्तन गिलास है, लोटा पड़ा हुआ है, और उसमें नाना प्रकार के खीर मालपुए भोजन परोसे जा रहे हैं, लेकिन नो मुझे नहीं चाहिए, ये वो तोता कहता है, मैं नहीं कहता हूं। सोने के पिंजरे में भी अगर करना पड़े स्वर्ग में वास, नरक तुल्य मुझको वह होगा बनकर के औरों का दास। जो पैर पर बैठा हुआ चिरिपिंग कर रहा है, चहचहा रहा है, ट्विटरिंग कर रहा है और मीठे मीठे स्वीट सॉन्ग्स गा रहा है, वो तोता स्वतंत्र है, स्वाधीन है, किसी के पराधीन नहीं है, क्योंकि पराधीन सपने उसको नहीं, चाहे उसको सोने से मन ही क्यों ना दिए। ऐसे ऐसे विचार, ऐसी ऐसी परंपराएं हमारे राजस्थानी साहित्य में आपको देखने को मिलती है, जिन कवियों ने इस ओजस्विता पूर्ण, इस ओजस्वी भाषा में और अपने प्रभावशाली कलम के माध्यम से जिस वीर रस के साहित्य को श्रृंगारित किया है, सौंदर्यता प्रदान की है, और उसमें राष्ट्र के प्रति विचारों को, भावों को कूट कूट करके भरा है, उन समस्त राजस्थानी कवियों को और उनकी लेखनी को और उनके साहित्य को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, हमारी इस नव जनरेशन को, हमारी इस नई पीढ़ी को, हमारे इस नए जीवन को, उसमें भी तुम उसी प्रकार के वीर रस को भरते रहना, ताकि हमारा ये वीर रस का ये कुप है, ये कुआ है, ये सागर है, इस सागर में, इसके सागर में, इस भारत माता की धरती में और इसके कण कण में और इस भारत के जन जन में शक्ति का संचार करे। इसी आशा मंशा के साथ मैं सभी कवि वर्ग को, साहित्यकारों को, राजस्थानी हो चाहे वो भारतवासी हो, कोई भी हो, उन सबका अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद।